तो भाई अब आ गया है टाइम थोड़ा ऑफ रोडिंग का। तो भाई अपने अरुण पवार भाई चला रहे हैं। तो भाई कैसा लग रहा है भाई? मेरे देखो सब पैर वेर मैंने छोड़ रखे हैं। ट्रेनिंग का मतलब ये है, डीजल का यही आनंद है। अपना पहले गियर में डाल रखी है गाड़ी, चढ़ रहे हैं हम। नॉर्मल उस पे भी नहीं चल रहे भाई, चढ़ रहे हैं हम, चढ़ाई कर रहे हैं ऐसे रोड पर, और गाड़ी ना कोई एक्सलेट करे अपने आप चढ़ रही है भाई। ये स्वाद रहता है 1.4 है इसके अंदर, 90 पीएस भी निकालता है भाई ये। जी भाई, जी भाई। और देख लो भाई, मतलब अंडर पावर्ड तो हम अभी रोड पे लेके चलेंगे तब बताएंगे। जी भाई। लेकिन अभी जैसे चढ़ रहा है भाई, जिस हिसाब से मस्त लग रहा है भाई मेरे को तो, अभी तक तो दिक्कत दे नहीं रहा है पहाड़ पे चढ़ने में। बिना नहीं इसलिए चढ़ा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ भाई, हाँ भाई। देख लो मैंने बिल्कुल छोड़ ही रखी है, देखो अपने आप कार चढ़ रही है भाई। कहाँ से अंडर पावर लग रहा है भाई चिराग भाई, आप बता रहे थे सही नहीं लग रहा है। देखो अपने आप कार मस्त चट रही है, अपना कोई ना कहीं से टिक रही ना कुछ हो रहा। स्टेयरिंग भी बहुत लाइट है इसका, तो बहुत ज्यादा जित नहीं है वैसे तो, नहीं करेटा है तो नहीं है, सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं लग रही। गाड़ी स्पेशियस भी लग रही है, खूब अच्छी चलाने में। तो आप मेरे को ये बताओ, आपको क्रेटा का ये वाला मॉडल ज्यादा पसंद है कि या वो वाला जो अभी लेटेस्ट आया है? भाई अब नई कार तो सबको ही पसंद रहती है, तो नया वाला पसंद है। अच्छा, नया वाला ही पसंद है, वाला मस्त लगता है, उसकी लाइट है वाइट है। अरे हाँ, डिजाइन पीछे से तो क्या बना, पीछे से लोगों को नहीं पसंद, पर मेरे को बहुत मस्त लगती है भाई पीछे से। अच्छा आपको? अरे अब मैंने भी देखा कि आपके किसी जानने वाले पे वो है भी, वो सनरूफ वाली से प्रॉब्लम आई थी। हाँ हाँ हाँ, दोस्त पे भाई मेरे पे। अच्छा अच्छा, आपके दोस्त पे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सनरूफ में हो गई थी, अब भी प्रॉब्लम है पर नहीं नहीं है भाई, तो चल जाता है काम। अच्छा अच्छा अच्छा, एक आध दिक्कत तो आ जाती है। जी भाई, जी भाई। तो भाई बलिनो को कुछ सोचा है मॉडिफाइड, लाइक अलॉय वलॉय? आपने देखे होंगे आजकल लोग बाग बलिनो पे ज्यादा पैसा लगाते हैं। बलिनो पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा, मेरी तो अलॉय वलो सेट है। अच्छा एक मेरे को आप ये बात बताओ, लाइक जब आपने अलॉय व्हील लगवाए थे, आप पे ये भी ऑप्शन था कि भाई मैं इसमें मॉडिफाइड वाले लगवा लूं, वो जो चाइनीज आते हैं, नियो वियो के जो आते हैं अलग अलग? भाई मेरे को कंपनी का माल ही पसंद है। अच्छा, कंपनी का ही माल पसंद है। हां, कंपनी जो दे वो बेस्ट लगता है, तो इस वजह से ही मैंने वो लगवाया। वैसे अगर जैसे आपके व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा, अगर मेरे पास आज पैसे होते ना भाई, जी भाई, तो मैं तो मॉडल लेता, एचटीएक्स लेता मैं। अच्छा 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 भाई, अपना आप तुम्हारा चीजों से भरोसा उठ गया। जी जी जी, अपना ले लो गाड़ी, काम का उसकी टेंशन रहती है कि भाई वो नहीं मिल रहा माल, वो नहीं मिल रहा है, ऐसा सब कुछ। एक बार कंपनी को पैसे दो और अपना मस्त रहता है, कोई टेंशन फ्री और सारे फीचर मिल जाते हैं, ना कोई जुगाड़ की जरूरत ना कुछ। पर यही है, तब फिर चीजों की वैल्यू पता नहीं रहती, जैसे लाइट है या लो है, तो उनकी वैल्यू पता नहीं चलती अपने को, लगता है आए हैं तो आए हैं, यूज कर रहे हैं। कुछ नए यंग यूथ यूट्यूबर के लिए लास्ट मैसेज कुछ भाई? मेहनत करते रहो ऐसे ही, ग्रो करते रहोगे, क्योंकि आपको देख देख के बहुत जने उठ रहे हैं। हाँ भाई, तो ऐसे ही मेहनत करते रहोगे, कंटेंट डालो कंसिस्टेंसी से, और ऐसे ही धीरे धीरे उठते रहोगे भाई। एकदम पेशेंस रखो बस, ये है एक संग तो भाई देखो कोई नहीं उठता, हमको भी बहुत टाइम लगा था, हमने भी जीरो से स्टार्ट करा था, सब जीरो से स्टार्ट करते हैं, किसी का कोई सपोर्ट नहीं था, कोई कुछ नहीं था, बस कंसिस्टेंसी से डालते ही थोड़े अंग्रेजी शब्द यार ऐसे हो जाते हैं, लगातार डालते रहो और एक दिन भाई जरूर आपको वो मिलेगा फल उसका। चलो, सब्र का फल मीठा होता है कहते हैं ना, तो यही कहावत पे टिके रहो। थैंक यू भाई, थैंक यू।